हेलो गाइस, मेरे इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं सुंदर माता टेम्पल, जो कि स्थित है राजपुरा तहसील के जसनपुरा गांव में। ये जालौर जिले में स्थित है। आप कभी घूमने आओ तो इसका लोकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम आ चुके हैं, ये सुंदर माता का गार्डन है, पहले ही गेट पे स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव गार्डन लग रहा है। काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। सभी लोग बैठ के यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और दोस्तों, थोड़ी देर बाद हम चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। और सामने आप वो गेट देख सकते हैं, उस पर यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। वो मेटल डिटेक्टर है वहाँ पे लगा हुआ। सारे दोस्त मिलके अब चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रास्ते के बीच में काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें मिलती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चश्मे, टोपियाँ वगैरह सब कुछ मिलती है। यहाँ पे आप कुछ भी खरीदना चाहें तो खरीद सकते। और अब हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो बीच में जो कुछ भी मिलेगा आप सबको दिखाएंगे क्या क्या बीच में मिलता है। दोस्तों, हमें चढ़ते समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ काफ़ी बहुत ही 2000 सीढ़ियाँ हैं, उसको चढ़ने में बहुत ही तकलीफ होती है। और दोस्तों, आज लोगों की ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि आज पूनम नहीं है। पूनम के दिन यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेला लगता है पूनम के दिन, और बाकी दिन थोड़ा कम ही लोग घूमने आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान का पहला रोप वे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सामने डोलियाँ आ रही हैं। और दोस्तों, चढ़ते समय बीच में हमें काफ़ी अट्रैक्टिव झरना दिखा, ये आप देख सकते हैं झरना, और ये यहाँ की शान है। और दोस्तों, ये हमारे सारे फ्रेंड हैं जो हमारे साथ घूमने आए हैं। तो हमने पूरी सीढ़ियाँ पार कर ली, अब सीधा रास्ता ही है। यहाँ पे सामने मंदिर आएगा, पहले तो बहुत सारी चीज़ें आएगी देखने को, फिर मंदिर आएगा। और यहाँ पे बंदर का बच्चा अपनी माँ के साथ चिपक के बैठा हुआ है। और यहाँ पे अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग भवन बने हुए, ये राजपुरी समाज भवन है, और भी भवन दिखेंगे। और ये बीच में आप बाजार देख सकते हैं, यहाँ से लाइन आगे तक लगी हुई है पूरी बाजार की, जी सुथार समाज का धर्मशाला। और बीच में हमारे ये सब्सक्राइबर मिल गए थे। और हमें ऊपर आके ऐसा लग रहा था कि हम जन्नत की सैर कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर वादियाँ, इस तरफ भवन, इस तरफ बाजार, और सामने धोरे बहुत बड़े बड़े। काफ़ी एंजॉय फील हो रहा है। और जो ये ढोल बज रहा था, ये देसी ढोल है, इसे हमारे यहाँ पे देसी ढोल। और यहाँ पे आप जो ये बीच में पानी का नाला देख रहे हैं, ये कभी बंद नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी चलता ही रहता है। सर्दी हो या गर्मी हो, हमेशा ही चलता रहता है। आप देख सकते हैं सामने से पानी गिर रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, जैसे कि फिसलन वगैरह। और दोस्तों, अब हम सुंदर माता के मंदिर की ओर जा रहे हैं, वहाँ पर प्रसादी वगैरह चढ़ाएँगे। वहाँ पे किस प्रकार का मंदिर है आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये हवन है, और यहाँ पे सुंदर माता का बहुत बड़ा त्रिशूल मौजूद है। और दोस्तों, मंदिर के अंदर की वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इस वजह से हमने मंदिर के अंदर की वीडियोग्राफी नहीं की, लेकिन हम आपको बाहर से दिखा देंगे मंदिर किस प्रकार दिखता है। दोस्तों, ये है सुंदर माता का भव्य मंदिर। ये मंदिर लगभग 900 वर्ष के करीब पुराना है। इस मंदिर का निर्माण स्वत 1312 ईस्वी में उदय सिंह के पुत्र चांचिंग देव ने करवाया था, तथा 1319 ईस्वी में अक्षय तृतीय के दिन विधि विधान से माँ चामुंडा की प्रतिष्ठा करवाई गई थी। और ये मंदिर लगभग जमीन से 850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हमने माँ चामुंडा के दर्शन कर लिए हैं, और अब हम घर की ओर रवाना होंगे, क्योंकि शाम के 6 बज गए, तो घर जाते जाते नाइट हो जाएगी। उस वजह से हम यहाँ से अब जल्दी से निकलेंगे, तो डायरेक्ट मिलते हैं नीचे। फिर से हम माँ चामुंडा के गार्डन में आ गए हैं। तो अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।